हाय फ्रेंड्स मैं प्रतीक प्रोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग क्या है उसके ऑब्जेक्टिव और क्या है वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनके थ्रू इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी को तय किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स मौद्रिक नीति तो चलिए शुरू करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी मैक्रो इकोनॉमिक इकोनॉमिकोच यूज सेंट्रल बैंक टू मैनेज मनी सप्लाई फॉर अ हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज मॉनेटरी पॉलिसी का एम क्या है टू मैनेज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई को मैनेज करना रेगुलेट करना उसको प्रबंधित करना उसको नियमित करना ही मॉनिटरी पॉलिसी कहलाता है मार्केट में पैसा ज्यादा होना चाहिए पैसा कम होना चाहिए इसको किस तरीके से सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है वो जो पॉलिसी है उसी को मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है मौद्रिक नीति कहा जाता है इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है टू मैनेज मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट्स जैसा कि हमने डिस्कस किया मेन ऑब्जेक्टिव मनी सप्लाई को मैनेज करना और साथ साथ इंटरेस्ट रेट ब्याज दर बिकॉज जो मनी सप्लाई है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट्स पे ही डिपेंड करता है सेकंड क्या है इट बेसिकली हेल्प्स इन बैलेंसिंग इन्फ्लेशन लिक्विडिटी कंजम्पशन सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा मॉनेटरी पॉलिसी ही तय करेगी हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कितनी है लिक्विडिटी यानी कि तरलता कितनी है कंजम्पशन कितना है और साथ साथ लोगों की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कितना है बचत और निवेश भी कितना है इट आल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन प्राइस स्टेबिलिटी इकोनॉमिक ग्रोथ जॉब क्रिएशन एंड सोशल जस्टिस अल्टीमेटली चीजों की प्राइस स्थिर करने में आर्थिक विकास में जॉब क्रिएशन यानी कि एम्प्लॉयमेंट रोजगार में और सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस भी किसके ऊपर डिपेंड करता है मॉनेटरी पॉलिसी पे ही सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस का यहाँ पे क्या मीनिंग है ऐसा ना हो कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो कुछ लोगों के पास ही रह जाए पर मनी जो है वो सब लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए एटलीस्ट इतना सेंट्रल बैंक का एम होता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मॉनेटरी पॉलिसी इंडिया में बनाता कौन है तो 2015-16 तक इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी वाज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई सोलली यानी कि इकलौता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही मॉनेटरी पॉलिसी को तय करता था बट उसमें प्रॉब्लम यह थी कि गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इनके बीच में बार बार एक तरीके का कोई आप बोल सकते हो डिस्प्यूट था या कंट्रोवर्सी थी गवर्नमेंट अलग चीज बोलता था आरबीआई अपने हिसाब से अलग काम करता था रीजन क्या है गवर्नमेंट जो होती है उसका टारगेट होता है स्पेंडिंग पैसा खर्च करना बिकॉज जब तक सरकार पैसा नहीं खर्च करेगी गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं होगी पब्लिक स्पेंडिंग नहीं होगी तब तक इकोनॉमी को एक तरीके से या एक्सपर्ट नहीं मिलेगा इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी जब खर्चा होगा इंडस्ट्रीज काम करना शुरू करेंगी जॉब क्रिएशन होना शुरू होगा लोगों को काम मिलेगा उनकी इनकम बढ़ेगी इनकम बढ़ेगी तो अल्टीमेटली लोग जो है सेविंग्स बढ़ाएंगे सेविंग्स बढ़ेंगी बैंक में पैसा जाएगा उसी को बैंक लोन देखें जिसको आगे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं तो पूरा सर्कुलर इकोनॉमी होता है इंडिया जैसे देश में तो गवर्नमेंट का फोकस स्पेंडिंग पे था आरबीआई का मेन फोकस मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पे था महंगाई को कंट्रोल करने पर था तो गवर्नमेंट तो चाहती है ज्यादा पैसा खर्च हो यानी सस्ता ब्याज दर पे पैसा मिले और इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होता है तो आपको पैसा कम करना होता है मार्केट में ब्याज दर बढ़ानी पड़ती है सरकार कुछ और है आरबीआई कुछ और चाह रहा और अल्टीमेटली चलती किसकी थी आरबीआई की काफी सारे डिस्कशन डेलीब्रेशन और डिबेट के बाद गवर्नमेंट ऑफ आर ने गवर्नमेंट और आरबीआई ने मिलकर तय किया कि हम साथ मिलकर ज्वाइंटली मॉनेटरी पॉलिसी को बनाएंगे और उसके लिए 2015-16 में कमिटी बनाई गई जिसे नाम दिया गया मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मौद्रिक नीति समिति आज की तारीख में अब इंडिया में मॉनिट्री पॉलिसी कमिटी ही तय करती है तो चलिए देखते हैं क्या है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इट इज अमिटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग देंच मार्क इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट क्या होती है उसे आगे पढ़ेंगे उसे तय करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इस कमिटी में गवर्नमेंट की तरफ से भी लोग हैं रिजर्व बैंक की तरफ से भी लोग हैं बट फिर भी ये कमेटी कहलाएगी किसकी रिजर्व बैंक की कहलाएगी बिकॉज ये किसका डोमेन है रिजर्व बैंक का डोमेन है अब इसको बनाने के लिए क्या किया गया सेक्शन फोर्टी फाइव जेड बी ऑफ दी बर मॉनिट्री पॉलिसी कमिटी उस आरबीआई के एक्ट में चेंज किया गया बिकॉज वहां पर लिखा था मॉनिटरी पॉलिसी सिर्फ आरबीआई बनाएगा बट एक आपको नई कमेटी बनानी थी तो एक्ट का सेक्शन है फोर्टी फाइव जेड बी उसमें अमेंडमेंट किया गया और उसमें कहा गया अब मॉनिटरी पॉलिसी एक कमेटी बनाएगी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जिसमें कितने मेंबर्स होंगे छह होंगे इन्फ्लेशन टारगेट यानी कि मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का मेन काम क्या है बेंच इंटरेस्ट रेट को तय करना जिसे हम लोग रेपो रेट कहते हैं और अल्टीमेटली किसे कंट्रोल करना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना अब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में टोटल छह इसका स्ट्रक्चर जरा समझने की कोशिश करें इन छह गवर्नर हेड कौन है आरबीआई के गवर्नर ही है इसीलिए इसे अभी भी ये कहा जाता है दैट इट इज द दमिटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब देखें मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इट हैज सिक्स मेंबर्स थ्री विल बी फ्रॉम आरबीआई तीन मेंबर्स आएंगे आरबीआई की तरफ से जिसमें से एक आरबीआई के गवर्नर होंगे जो इसके हेड होंगे बाकी के तीन मेंबर्स आएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नॉमिनेट होंगे नॉमिनेट यानी के मनोनीत होंगे भारत सरकार अपनी तरफ से तीन मेंबर्स को चुनेगी अब ये तीन मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं तो उसके लिए एक होती है सर्च कम सिलेक्शन कमिटी जिसके हेड होते हैं भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी भारत के कैबिनेट सचिव उसको हेड करेंगे इस कमिटी में आरबीआई के गवर्नर भी मेंबर है इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी भी शामिल है और उसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स हैं इस कमेटी का काम क्या है इन तीन मेंबर्स को यह कमेटी चुनेगी मैं अलग कमेटी की बात कर रहा हूं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात नहीं कर रहा हूं एक बार फिर से देखें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल सिक्स मेंबर्स होंगे तीन मेंबर्स तो आरबीआई की तरफ से आएंगे एक आरबीआई के गवर्नर और दो डेप्यूटी गवर्नर या जो भी आरबीआई चाहे हेड है। आरबीआई का गवर्नर ही करेगा बाकी के जो तीन मेंबर्स आएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की तरफ से आएंगे अब ये तीन मेंबर्स भारत सरकार अपनी इच्छा से नहीं लेके आएगी इन तीन मेंबर्स को चुनने के लिए भी कमेटी बनाई जाती है उस कमेटी को ऐड करता है कैबिनेट सेक्रेटरी उसके अलावा उसमें आरबीआई गवर्नर भी होता है उसमें इकोनॉमिक अफेयर्स का सेक्रेटरी भी होता है यानी कि आर्थिक मामलों का सचिव भी होगा और कुछ एक्सपर्ट्स होंगे इकोनॉमिक्स के फील्ड के वो एक्सपर्ट्स तीन लोगों को चूज करेंगे और वो भारत सरकार की तरफ से इस कमेटी में आएंगे तो ये टोटल छह मेंबर्स हो गए मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी को ये बनाते हैं ये स्ट्रक्चर हो गया मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इसका हेड कौन है आरबीआई का गवर्नर है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का काम क्या है तो इनका काम है बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को तय करना यानी कि रेपो रेट को तय करना और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना एक टारगेट सेट किया गया है इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का उसके अंदर को रखना अभी देखेंगे क्या टारगेट है अब देखें मॉनिटरी पॉलिसी रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट फोर टाइम्स ईयर तो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी का जो बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन उसमें लिखा गया है साल में कम से कम चार बार तो इसकी मीटिंग होगी ही ज्यादा हो सकती है चार से बट चार से कम नहीं हो सकती यानी कि हर क्वार्टरली हर तीन महीने में एक बार इस कमेटी को मिलना होगा यह बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट यानी कि रेपो रेट को तय करेगी और इन्फ्लेशन का जो टारगेट है उसके अंदर इन्फ्लेशन को रखने की कोशिश करेगी अब इसके डिसीजन कैसे तय किए जाएंगे क्योंकि अलग अलग लोग हैं तो इसके डिसीजन मेजोरिटी से तय किए जाएंगे अब देखें छह लोग हैं तीन आरबीआई के और तीन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से टोटल छह मेंबर्स है कमेटी में कोई भी डिसीजन लिया जाता है वो मेजोरिटी से बहुमत से लिया जाएगा उस पर वोटिंग होगी मगर आरबीआई का गवर्नर वोट नहीं देगा आरबीआई का गवर्नर जो है वो कास्टिंग वोट डालेगा ध्यान रखें द गवर्नर ऑफ आरबीआई टाई के, के केस में वोट देगा नॉर्मली बाकी उसका इसमें कोई रोल नहीं रहेगा नेक्स्ट देखें अब इन्फ्लेशन की बात हो रही है तो इन्फ्लेशन इनको सेट करना है तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को टारगेट दिया गया है कि आप इन्फ्लेशन को 4% परसेंट प्लस माइनस 2% परसेंट की रेंज में रखिए यानी कि 4% परसेंट प्लस माइनस 2% परसेंट की रेंज जो है वो रखी गई है इन्फ्लेशन के लिए तो ये टोटल कितना आएगा 2% परसेंट से 6% परसेंट दो से परसेंट के बीच बिकॉज 4 प्लस टू सिक्स हो जाएगा 4 माइनस टू टू हो जाएगा तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को जो टारगेट दिया गया है इन्फ्लेशन का वो है फोर प्लस माइनस टू परसेंट और इट कैन बी रिटर्न एज टू परसेंट टू सिक्स परसेंट यानी कि इन्फ्लेशन महंगाई या मुद्रास्फीति दो परसेंट से कम नहीं होनी चाहिए छह परसेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ये कौन तय करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का ये आप बोल सकते हो टारगेट है अब देखें इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी

क्वांटिटेटिव टूल्स की तो उसमें पहले बात आती है वेरिएबल रिजर्व रेशियो जिसमें हम लोग दो चीज पढ़ते हैं सी आर आर एंड एस एल आर लेट्स सी आर आर सी आर आर का फुल फॉर्म है, है? क्या होता है ये इट इज बैंक्स आर बाउंड टू कीप विद द आरबीआई सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज को आप बैंक का टोटल डिपॉजिट्स भी बोल सकते हो यानी कि कैश रिजर्व रेशियो वो पैसा है जो हर समय बैंक को किसके पास रखना पड़ेगा रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ेगा किसकी फॉर्म में रखना पड़ेगा कैश के फॉर्म में रखना पड़ेगा जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बैंक के पास 100 100 टोटल डिपॉजिट्स एक सौ करोड़ रुपए हैं, हंड्रेड करोड़ रुपीज टोटल डिपॉजिट है और आरबीआई ने बोल रखा है सीआरआर अभी दस परसेंट है यानी के इस 100 करोड़ का 10 परसेंट दस करोड़ रुपए कैश के फॉर्म में इस बैंक को हर समय किसके पास रखने होंगे आरबीआई के पास रखने होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखने होंगे बैंक कैन नॉट लैंड दिस अमाउंट ऑब्वियस बात है ये बैंक आरबीआई के पास रहेगा बैंक जो है इस पैसे को लोन में यूज नहीं ले सकते इसकी लोनिंग नहीं हो सकती है बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करवाते हैं नॉर्मली आपको ब्याज मिलना चाहिए बट सीआरआर पे बैंक्स को कोई भी इंटरेस्ट या प्रॉफिट नहीं मिलता या आप ऐसे समझ लीजिए जरूरी है बैंकों को रखना आपको इस पर कोई इंटरेस्ट कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा बैंक अर्न नो इंटरेस्ट रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन दिस रेशियो ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक मस्ट कीप आर 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 एस सेट बायनिट्री पॉलिसी कमिटी बट आरबीआई में प्रेस्क्राइब सेपरेट नॉर्म्स फॉर आर आरबी एंड कॉपरेटिव बैंक जो भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जो हैं उन सब को जो सीआरआर तय होगा उसके अकॉर्डिंग पैसा रखना होगा बट आरबीआई अगर चाहे एमपीसी अगर चाहे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और आरबीआई वो अगर चाहे तो सहकारी बैंक और आर के लिए अलग रख सकता है सीआरआर को कम या ज्यादा डिपेंडिंग ऑन दर्कमेंसेज क्लियर यहां तक अब देखें अगर सीआरआर को कम कर दे मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इसका मतलब बैंकों को आरबीआई के पास कम पैसा रखना होगा यानी कि बैंकों के खुद के पास ज्यादा पैसा रहेगा यानी कि अब वो लोनिंग ज्यादा कर सकते हैं तो अगर कभी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी चाहेगी कि मार्केट में पैसा ज्यादा आए रिसेशन की स्थिति हो मंदी की स्थिति हो तो पैसा ज्यादा चाहिए होता है मार्केट में ऐसी स्थिति में सीआरआर को क्या कर दिया जाता है कम कर दिया जाता है और अगर इन्फ्लेशन चल रहा हो महंगाई चल रही हो तो सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है सीआरआर बढ़ जाएगा तो बैंक कम लोनिंग कर पाएंगे कम लोनिंग होगी तो मार्केट में पैसा कम जाएगा और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन

अपने खुद के पास रखना होगा सीआरआर तो आरबीआई के पास रखना था एस में बैंकों को खुद के पास रखना होगा किसके फॉर्म में लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में सीआरआर में खाली कैश रखना था यहाँ पे लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में आप खुद के पास रखोगे जैसे इट प्रिवेंट बैंक फ्रॉम लैंडिंग ऑल इट्स डिपोजिट विच इज टू टूरिस्की ये क्यों रखा जाता है कुछ परसेंटेज तो आरबीआई के पास रख दिया एस मान लीजिए दस परसेंट है तक? और किसी बैंक के पास हंड्रेड करोड़ रुपीज है डिपॉजिट उसके एस एल आर दस परसेंट है सीआरआर भी दस परसेंट है तो दस करोड़ रुपए तो चले गए आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में और दस करोड़ रुपए बैंक को अपने पास रखने होंगे एस एल आर के फॉर्म में अब वो दस करोड़ बैंक चाहे तो कैश के फॉर्म में रख सकता है चाहे तो गोल्ड के फॉर्म में रख सकता है किसी भी लिक्विड एसेट के फॉर्म में तरल परिसंपत्ति के तौर पर खुद के पास रखेगा क्लियर यहां तक क्या क्या हो सकता है एफडी का पैसा बैंक अपने पास रख सकता है कोई कैश का सर्टिफिकेट अपने पास यानी कि कैश रख सकता है गोल्ड डिपॉजिट्स को भी बैंक अपने पास रख सकता है उसके अलावा सेविंग अकाउंट का पैसा हो करंट अकाउंट का पैसा हो डीडी का पैसा हो बैंक को लिक्विड एसेट्स जो तरल परिसंपत्ति होती है उसके तौर पर एस जो एम ने तय किया है वो पैसा खुद के पास रखना होगा उस पैसे को बैंक जो है लोन नहीं दे सकते हैं ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है सो so दैट बैंक जो हैं वो ऐसा ना हो कि जरूरत से ज्यादा लोन देने लग जाएं और अल्टीमेटली बहुत ज्यादा रिस्की हो जाए बैंकिंग ऑपरेशन तो सीआरआर एस एल आर कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैंडिंग लिक्विडिटी रेशियो तो अभी हमने डिस्कस किया मॉनेटरी पॉलिसी क्या है क्या उसके ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कैसे तय करती है और सीआरआर का एस एल आर का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट बैंक रेट के कॉन्सेप्ट्स धन्यवाद थैंक यू सभी का प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी